नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं निशा उप्रेती। किताबों से दूर हो रहे छात्रों को उन्हें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शिक्षा शास्त्र विभाग की ओर से इन दिनों एमबीपीजी डिग्री कॉलेज में पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन चल रहा है। यहां लगे स्टॉल में तमाम पुस्तकें शामिल हैं जिनके प्रति छात्रों में खासा रुझान देखने को मिला है। छात्र अपनी पसंदीदा किताबें ढूंढते नजर आए। वहीं बातचीत पर छात्रों ने किताब पढ़ने के कई फायदे तो बताए ही, साथ ही कहा कि किताबों को अपने सामने रखकर पढ़ने से ज्यादा फायदेमंद होते हैं। इससे एकाग्रता भंग नहीं होती और इससे समझने में भी आसानी होती है। हालांकि आजकल ऑनलाइन सारी पुस्तकें मिल जाती हैं, पर असली मजा हाथ में किताब लेकर पढ़ने में ही है। मेरे ख्याल से जो हम फिजिकली बुक्स पढ़ते हैं, मतलब बुक्स के साथ उनमें से रीडिंग करते हैं और उसको करते हैं, तो उससे हमारा कंसंट्रेशन पावर ज़्यादा बढ़ता है और हमें ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू वर्चुअल बुक्स। मतलब अगर हम देखते हैं, यूज़ करते हैं आज के ज़माने में इंटरनेट का यूज़ करते हैं बहुत सारे लोग बुक्स पढ़ने के लिए, बट उसमें कई सारी नेगेटिव भी चीज़ें होती हैं कि हमारा जो माइंड होता है वो डाइवर्ट हो सकता है इधर उधर। बट जब हम फिजिकली बुक्स को पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा समय तक वो याद रहती हैं और थ्रू डायग्राम्स और मैप्स ऐप्स बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हम उनको ज़्यादा समय तक मेमोराइज कर सकते हैं। किताबों से कहानियाँ पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है अकॉर्डिंग टू वर्चुअली, क्योंकि उसमें ना और सारे फ़ोन होता है तो उसमें और सारे ऐप भी खुल जाते हैं तो उस पर फोकस नहीं हो पाता, और कहानियों और बुकों का ऐसा होता है कि उसमें मन भी लगता है। जैसे कि हम लोग जो वर्चुअल बुक्स पढ़ते हैं तो हमको इससे बहुत हेल्प मिलता है, क्योंकि इससे हमारी पर्सनल डेवलपमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जब हम लोग इंटरनेट पर बुक्स पढ़ते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा ध्यान भटकने के चांस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हम इंटरनेट पर बुक पढ़ते पढ़ते हो सकता है कोई और कुछ और ऐप यूज़ करने लगे या कुछ और चीज़ें यूज़ करने लगे। लेकिन जब हम लोग वर्चुअल बुक्स पढ़ते हैं अपने आँख के सामने, मतलब रियल बुक पढ़ते हैं ना, तो उससे हमारा पर्सनैलिटी बहुत डेवलप होता है, हमारा स्पीकिंग स्किल बढ़ता है, हम कम्युनिकेट करना अच्छे सीखते हैं। तो हम लोगों का काम जो पढ़ने लिखने की संस्कृति बढ़ाने में उसको लेकर है, तो ये स्टॉल भी एक उसी का हिस्सा, उन्हीं प्रोग्रामों का हिस्सा है एक तरीके से। तो हमारा रहता है कि लोगों तक किताबें पहुँचे, कि ऐसे ऐसे समय में जहाँ पर बहुत लोग कहते हैं कि किताबों तक नहीं जा रहे हैं छात्र छात्राएं और लोग, तो हमारा मकसद यही है कि लोग किताबों की तरफ आकर्षित हों और एक एक समूह कम्युनिटी बने लोग पढ़ने लिखने वालों की। और जो एक किताबों की कमी है, मतलब पूरे जो क्षेत्र में, कुमाऊं में हो, पिथौरागढ़ में हो, हल्द्वानी में हो, लोग किताबों को पढ़ें, लोगों तक साहित्य पहुँचें, और यहाँ पर हम उसी के तहत आए हैं। शिक्षा शास्त्र विभाग ने हम लोगों को आमंत्रित किया है और ऐसी पहल का हम स्वागत करते हैं। हमारा मकसद, मूल मकसद ये है कि लोग पढ़ें, मतलब भले ही वो मोबाइल के माध्यम से पढ़ें या किताबों के माध्यम से पढ़ें, ये सिर्फ एक बहाना है लोगों तक पहुँचने का। मतलब हमारा बिक्री का, किताबों की बिक्री से कोई मतलब नहीं है। लोग, हम लोग चाहते हैं कि स्टॉल में आए, वो साइड में बैठकर किताबें पढ़ें। तो बुक्स के बारे में मैं ये कहूँगी कि बुक्स हाथ से पढ़ने में बहुत अच्छा फील होता है, जो फील होता है असली वो हाथ में ही जो बुक होती है उसी से आता है, और जो हम इंटरनेट में पढ़ते हैं उससे आइज़ में भी प्रॉब्लम होती है और हमारा मन भी इधर उधर भटक सकता है, लेकिन बुक्स से जो फील आता है वो बस अच्छा लगता है वो। मेरा ये मानना है कि मतलब जब हम फिज़िकली बुक को पढ़ते हैं तो उससे हमें ज़्यादा याद रहता है, क्योंकि हमने जो चीज़ पढ़ी हुई है वो हमें ज़्यादा अच्छी तरीके से याद रहती है, क्योंकि बुक्स में पिक्चर्स के थ्रू और उनमें जो लैंग्वेज होती है जो हम खुद पढ़ के वो कर सकते हैं वो ज़्यादा बेटर है, वजह कि हम उसकी बुक ऑनलाइन सुने या फिर पढ़ें। उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बुक ऐसे फिजिकली पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, और ऐसे मतलब मुझे भी ऐसे फिजिकली बुक पढ़ के ज़्यादा अच्छे से याद आता है और लॉन्ग टाइम तक रिटेंशन रहता है अपने माइंड। वहीं दूसरी ओर सोमवार को एमबीपीजी कॉलेज में छात्रों का एक दल बीए बीएससी की एनईपी की पुस्तकें उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर एक दिवसीय धरने पर बैठ गया। छात्रों ने आरोप लगाते हुए कहा कि शिक्षा मंत्री हर बार कोरे आश्वासन देकर चले जाते हैं और उनकी घोषणाएं हैं कि कभी पूरी ही नहीं होती। कई बार इस बात को लेकर ज्ञापन भी दिया जा चुका है, मगर न तो सरकार के कान में जू रेंगती है और न ही महाविद्यालय प्रशासन ही इस बात का संज्ञान ले रहा है। इस दौरान परिसर में धरने पर बैठे छात्रों ने कहा कि महाविद्यालय के शौचालय बदहाल पड़े हैं पर कोई सुध लेने वाला नहीं है। साथ ही कॉलेज परिसर में सफाई कर्मचारी नहीं है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, वहीं कॉलेज के चारों ओर गंदगी पसरी हुई है और पर कोई सुध लेने वाला नहीं है। ऐसे में छात्रों ने दो टूक कहा कि अगर उनकी मांगे जल्द नहीं सुनी गई तो वो अनिश्चितकालीन धरना देने पर बाध्य होंगे। महाविद्यालय में लगातार छात्र छात्राओं और छात्र नेताओं द्वारा लगातार इस मामले में ज्ञापन दिया जा रहा है कि एनईपी की पुस्तकें पुस्तकालय में जल्द से जल्द उपलब्ध कराए जाएं, परंतु महाविद्यालय प्रशासन
या शासन द्वारा किसी भी प्रकार का इस मामले में कोई भी निष्कर्ष नहीं लिया गया, तो आज मजबूरन हमें एक दिवसीय धरने में यहाँ पर बैठना पड़ा छात्र छात्राओं के हित को लेकर। जिस प्रकार धन सिंह रावत जी ने NEP तो इस प्रदेश में, इस देश में, ये भाजपा सरकार ने NEP तो लागू कर दिया, परंतु इसकी कोई भी निधि यहाँ पर उपस्थित नहीं कराई गई है, उपलब्ध नहीं कराई गई है। तो धन सिंह रावत जी यहाँ पर आते हैं और बड़ी बड़ी बातें कह के जाते हैं कि NEP आया है तो छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल होगा, लेकिन धन सिंह रावत जी को इतना नहीं पता कि NEP लागू हो गया है, प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं भी कंप्लीट हो गई हैं, द्वितीय सेमेस्टर की क्लासें चालू हो गई हैं, लेकिन अभी भी यहां पर महाविद्यालय के पुस्तकालय में एक भी पुस्तक, एक भी BA और BSc की एक भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है। तो आज इसी मामले को लेकर हम छात्र छात्राओं के हित में यहां पर धरने में बैठे हुए हैं और हमारी दूसरी मुख्य मांग यह है कि महाविद्यालय में बहुत ज़्यादा गंदगी है, हमारे महाविद्यालय के शौचालयों में छात्र छात्राएं जाने से घबराता है, कतराता है, तो इसे जल्द से जल्द साफ किया जाए और महाविद्यालय में सफाई कर्मचारियों की कमी है इसे बढ़ाया जाए। और हमारी शासन से यही मांग है कि जल्द से जल्द छात्र हितों के लिए यहाँ पर महाविद्यालय में NEP की सारी पुस्तकें उपलब्ध कराई जाए, नहीं तो यहाँ पर हम लोग अनिश्चितकालीन धरने में बैठने के लिए मजबूर होंगे। धन सिंह रावत जी और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जो इस प्रदेश को कहते हैं कि हम एक अच्छा प्रदेश बनाएंगे, शिक्षित प्रदेश बनाएंगे, धामी जी हमारे कॉलेज में आके कहते हैं और हमारे माननीय धन सिंह रावत जी कहते हैं कि हम NEP की नई शिक्षा नीति इस कॉलेज में लेंगे, अभी तक बच्चा बेहाल हो रहा है वहाँ, इन्होंने शिक्षा का ऐसा हाल कर दिया कि छात्र इतना बेहाल हो गया है, वहाँ लाइब्रेरी में जा रहा है, लाइब्रेरी में पुस्तकें नहीं है। हमारे कॉलेज जो सबसे बड़ा महाविद्यालय माना जाता है, MBPG कॉलेज कुमाऊं का सबसे बड़ा महाविद्यालय माना जाता है, सरकार कहती है सबसे बड़ा महाविद्यालय है, और इस महाविद्यालय में आप आगे हाल देखिए। मैं धन सिंह रावत जी को ओपन चैलेंज देता हूँ कि धन सिंह रावत जी एक बार आप कॉलेज में आइए, सिर्फ भवन में बैठ के भाषण मत दीजिए, एक बार जमीनी हकीकत जानिए, टॉयलेटों में आइए, हमारी पुस्तकालय में आइए। हमारी कॉलेज की टीम आ गए हैं, एक NAP द्वारा जो बुक्स हमारे कॉलेज में अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर हो चुका है, उसकी एग्जाम हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, अब द्वितीय दोबारा एडमिशन चालू होने के प्रोसेस में है और अभी तक यहाँ कोई बुक तक नहीं पहुँची है, और सरकार को इतनी शर्म नहीं है, पूरे प्रदेश भर में इतने धरने हो रहे हैं, कोई पटवारी, कभी पेपर लीक हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, और सरकार इतनी शर्म नहीं हो रही है कि अभी तक किसी भी मुद्दे पर किसी भी सरकार, ना हमारे पुष्कर सिंह धामी जी ना हमारे धन सिंह रावत जी किसी मुद्दे पर भी बोले नहीं है, बस हमारे कॉलेज में आते हैं और दो तीन भाषण दे के चले आते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और यहाँ कुछ होता नहीं है, पूरे हमारे शौचालय ऐसे के ऐसे ही पड़े हैं वहाँ, ना लड़कियाँ जाने से डरती हैं, और कहते हैं बाथरूम, दरवाजे में बाथरूम नहीं है, यहाँ कॉलेज में कैमरे नहीं लगा रखे हैं। तो ये थी ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी की खास रिपोर्ट। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN News के साथ। नमस्कार।